ये सैलरी का कॉलम है, सैलरी के कॉलम के ऊपर हमने करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक कर लें, सही है। आप आ जाएंगे इसमें, आपके पास ऑप्शन है ये जनरल लेआउट के लिए, बाकी हमने मिनिमाइज कर लेता हूँ। जनरल लेआउट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर लें और आप बताएं कि आपको किस किस्म का कंडीशनल फॉर्मेट चाहिए। सबसे पहले तो ये कि फॉर्मेट एक्सेप्शन किया, वो कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन की बेस पे आप ये फॉर्मेट चाहते हो। फॉर्मेट अभी आपने नहीं डिफाइन किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, यू कैन डिफाइन एक्सेप्शंस टू हाईलाइट डेटा फॉर स्पेसिफाइड कंडीशन विद डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल सच एज फॉन्ट एंड कलर। तो मैं एक नया एक फॉर्मेट एक्सेप्शन में यहाँ पर डालना चाहता हूँ न्यू, वो ये कि यहाँ पर देखें कि अगर सैलरी जो है ना, सैलरी की वैल्यू अगर वो है मिसाल के तौर पर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1500, अगर सैलरी की वैल्यू 1500 या 1500 से कम है, ठीक है ना, तो ये आपकी कंडीशन है। और यहाँ पे अपना फॉर्मेट बता दो। तो आप ये करो जी कि टेक्स्ट का जो कलर है ना, वो अभी इस टाइम पे क्या है, वो वाइट है इस टाइम पे। उसका टेक्स्ट टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट है ना इस टाइम पे, हाँ वो वाइट है, वाइट ही रहना दो, ठीक है। कल आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो उसका टेक्स्ट कलर भी, ठीक है। फिल कलर, उस पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप फिल कर लो इस कलर के साथ, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा आपको, इसका जो सैंपल है सैंपल नज़र आ रहा होगा। फॉन्ट में चले जाओ, फॉन्ट चेंज करना है जो भी करना है, फॉन्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाना है, मैं कहता हूँ फॉन्ट का साइज़ 10 हो जाए, फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा नैरो बोल्ड हो जाए, ठीक है। और फॉन्ट टाइप आपने चेंज करना है, फॉन्ट टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, या अंडरलाइन करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू नॉर्मली इस तरह से होता है ना कि जब आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से होता है, सब में तो ये नहीं होता कि आप जब आपने जब एग्ज़ाम देना होता है ना, तो आपको कंप्लीट एक लिस्ट मिलती है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें आप अपीयर हो सकते हो। क्यों अपीयर हो सकते हो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी है इसके अंदर, ठीक है। जिन जिन में नहीं आप अपीयर हो सकते ना, तो उसके लिए आप ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन कि वो काटा हुआ है कि सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो बाकी रिमेनिंग इशू उसका कंडीशन का है कि उस पर कंडीशन लगी हुई होगी कुछ, ठीक है। आपकी वेब पर फॉर एग्जांपल परसेंटेज अटेंडेंस परसेंटेज इज लेस देन फॉर एग्जांपल 70%, ठीक है ना, तो फिर ये आप काम उसके साथ भी कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू का फैक्ट लगा हुआ ले सकते हो, ठीक है। ओके कर लें तो ये आपका जो है वो दिखा रहा है आपको कि ये इस तरीके का आपको नज़र आएगा, यानी कि सेल जो है आपका इस कलर में होगा, बॉर्डर कलर उसका जो है वो इस कलर के अंदर होगा, ठीक है ना। और फॉन्ट ये होगा, फॉन्ट साइज़ वगैरह ये होगी, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जी सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 1500, इसको ओके कर लेते हैं। ये आपका एक्सेप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन है, फॉर्मेट एक्सेप्शन है, और इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो जिन जिन की सैलरीज 1500 से या 1500 के बराबर है या 1500 से कम भी है ये होती है, तो उनका जो है यहाँ पे इस तरीके से उसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग होगी, क्लियर है। इसी तरीके से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है ये ज़रूरी नहीं है सैलरी पे लगाएं, आप किसी और कॉलम पे भी लगा सकते हैं। आप कहते हैं जी कि डेजिग्नेशन जो है ना उस पर मैं लगा दूँ, ठीक है। आ जाएँ आप यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर, नया एक्सेप्शन दे दें, फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ पे दे दें, ठीक है। आप ये कहते हैं कि जी ये जॉब जिस बंदे की जो है ना वो इक्वल है किस चीज़ के, क्लर्क के इक्वल है जिसकी जॉब, उसको नया फॉर्मेट दे दो, समझ आ रही है बात, ठीक है। उसका जो है टेक्स्ट कलर आप ब्लैक कर दो, उसका जो फिल कलर है वो आप मिसाल के तौर पे कोई से भी ले लें, डार्क ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर जो वाइट कर लें, जो 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 क्लर्क्स हैं खाली, ठीक है। फॉन्ट उसका बता दें जो भी आपने देना है, ठीक है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसको ओके कर लें, ठीक है। जॉब इक्वल्स क्लर्क, और ये मैंने कैपिटल में से लिखे क्योंकि वो सारे जो आपकी जो जॉब रिलेशन है ना वो कैपिटल के अंदर है। इसको अप्लाई कर लें और देख लें जो भी क्लर्क होगा तो उसका जो फॉर्मेट है वो मुख्तलिफ, समझ आ रही है, यहाँ तो क्लियर है सब, ठीक है। इसी तरीके से ये तो फॉर्मेट हमने लगाया ना इस कॉलम के ऊपर, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोबारा देख लें तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिजिग्नेशन पे। अब मैं ये चाहता हूँ ना कि जितने भी क्लर्क्स हैं मिसाल के तौर पर उनके एम्प्लॉय नंबर है ना उस पर फॉर्मेटिंग हो जाए, जितने भी क्लर्क्स हैं, ठीक है, उनकी ईएमपी नंबर हाईलाइट हुई है, ठीक है। उसके लिए आप ईएमपी नंबर के ऊपर लगा रहे हो कंडीशनल फॉर्मेट, ठीक है। तो इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाए, यहाँ पे नया एक्सेप्शन, फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड करें, वो ये होगा कि यहाँ से एम्प्लॉय नंबर नहीं सिलेक्ट करना है आपको, आपको यहाँ पे जॉब सेलेक्ट करनी है, ठीक
रखी है कि जॉब इक्वल, कि यार अगर जॉब अगर क्लर्क है ना, तो ये जो EMP नंबर वाला जो कॉलम है ना, इसको फिर नया फॉर्मेट आप दे दो। यानी कि अब आप फॉर्मेटिंग एक कॉलम को दे रहे हो, कंडीशन किसी और कॉलम की बेस पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना नया फॉर्मेट जो है वो दे सकते हैं। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट होना चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कहता हूँ डार्क ब्लू हो जाए, ठीक है? फॉन्ट आपने अगर बड़ा छोटा करना है, मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं नैरो बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? ओके किया, इसको ओके कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर लेते हैं। यानी कि जो जो लोग क्लर्क्स होंगे ना, उनके एम्प्लॉय नंबर्स हाईलाइटेड होंगे, ठीक है? एम्प्लॉय नंबर्स, ठीक है? इसको अप्लाई कर लें, ओके कर लें इसको, और इसको रन करके देख लें। तो ये वो बंदे हैं जो कि क्लर्क्स हैं, ठीक है? ये बंदा भी क्लर्क है, ये दो बंदे ये भी क्लर्क हैं, ठीक है ना? और इसमें एक क्लर्क ये भी, समझ आई? क्लियर है यहाँ पर? ये रिपोर्ट तो आपकी बन गई, ठीक है? अब इस तरह करते हैं, एक रिपोर्ट और बनाते हैं जो कि आपसे वैल्यू मांगेगा डिपार्टमेंट नंबर की, ठीक है? डिपार्टमेंट नंबर 10 आपने दिया, 20 दिया या 30 दिया, तो नंबर आपसे लेके उस बेस पे रिपोर्ट जनरेट करेगा, सिर्फ आपको दिखाएगा उस डिपार्टमेंट वाले लोग, ठीक है? तो इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज, ये तो बन गया ना, ठीक है? यस कर लेते हैं, चेंजेस वगैरह कोई नहीं है, सब कुछ सेव हुआ है, इसलिए इसने पूछा नहीं आपसे, ठीक है? एक नई रिपोर्ट बनाते हैं, यूज़ द रिपोर्ट मेथड, ओके किया, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट किया, टेबुलर रिपोर्ट ही है ये, और इसमें हम इसका टाइटल देते हैं डिपार्ट, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, ठीक है? कि मैं आपको डिपार्टमेंट नंबर दूं, आप डिपार्टमेंट नंबर ले लो और उस बेस पे मुझे आप रिपोर्ट दिखा दो, ठीक है? और ये टेबुलर होगी, बाकी भी हम देखेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं, SQL की क्यूरी है, और अच्छा SQL की क्यूरी से पहले एक चीज़ और, कि चलें इसको मैं कर लेता हूँ, वैसे ये काम पहले होना चाहिए था। SQL की क्यूरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेलेक्ट करो आप डायरेक्ट फ्रॉम EMP वेयर डेप्थ नंबर, डेप्थ नंबर इज इक्वल टू वी अंडरस्कोर डेप्थ। ये वी अंडरस्कोर डेप्थ क्या है, ये मैं पहले मुझे बनाना था, मैंने अभी बना दिया, ये मैं क्यूरी में मैंने अभी यूज़ किया, ये इसको बनाना पहले चाहिए था मुझे, बारे में अभी इसको कर लेता हूँ, उसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नोट द क्यूरी वन इज ग्रेटर द बाइंड पैरामीटर वी अंडरस्कोर डेप्थ, ओके कर लेते हैं इसको, ये सारा मैं इसमें डाल दिया, ठीक है? नेक्स्ट किया, कोई आपने अगर कोई कैलकुलेटेड टोटल वगैरह का शो करना है तो कर दें, वरना नहीं करना तो इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट किया, यहाँ से अपना चूज़ कर लें जो भी आपको चाहिए, इसका जो भी आपको टेम्पलेट वगैरह चाहिए, नेक्स्ट कर लें, इसको फिनिश कर लें। अभी आपसे मांग रहा है कुछ, ठीक है? रिपोर्ट चलने से पहले एंटर वैल्यूज फॉर द पैरामीटर वी अंडरस्कोर डेप्थ, डिपार्टमेंट नंबर दे दो, 10 दे दो, एंटर करो, तो ये रिपोर्ट आपको जनरेट करेगा डिपार्टमेंट नंबर 10 के ही लोग आपको दिखाई देंगे, ठीक है? बाकी इसमें फॉर्मेटिंग का इशू है, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? Yes. बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ना कि जो काम मुझे पहले करना चाहिए था, वो काम बेसिकली ये था कि वो उसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए कर लिया, कि यहाँ पे यूज़र पैरामीटर्स है ना, ठीक है? ये आपको एक पैरामीटर नया बनाना पड़ेगा, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, दोबारा, ठीक है? यूज़र पैरामीटर में आएंगे, पहले ये काम करेंगे, फिर क्यूरी में ये पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है? तो क्यूरी में जो पैरामीटर यूज होगा उसका नाम है वी अंडरस्कोर डेप्थ, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे वी का नाम वी अंडरस्कोर डेप्थ रख दिया। इसके बाद फिर आप जाओगे, ठीक है ना? और वो क्यूरी के अंदर फिर आप उसको यूज़ करोगे, डेटा मॉडल है उसमें आपकी क्यूरी लगी हुई है और वी अंडरस्कोर डेप्थ यहाँ पर आप यूज़ करोगे, ठीक है? ये डिपार्टमेंट वाइज आपकी होगी, याद है? क्लियर है? इसको सेव भी कर लेते हैं, और वैसे ये जो रिपोर्ट है ना, ये वाली, ये ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पर, यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय, ये रिपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है? इसको बल्कि मैं आता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेविगेटर में,
इसकी डेटा टाइप के यहाँ पे सिर्फ मसला करती है, डेटा टाइप इसकी नंबर है, यानी कि इसको जो मिल रहा है जो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आते हैं, इसके यहाँ पे आप सेलेक्ट करें तो ये भी बड़े पार्ट में जो तो भी अंडरस्कोर डेप्थ की कॉलम को मैंने पैरामीटर को सेलेक्ट किया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास कि जैसे मैंने वो खुद वैल्यूज दी थी ना वहाँ पे, अब आप अगर ये कहते हो कि कॉम्बो बॉक्स आ जाए, ठीक है ना, वहाँ पे वैल्यूज पहले से पड़ी हुई हो, आप खाली बस सेलेक्ट कर लो और उस वैल्यू को ले लें एज अ पैरामीटर और फिर आपको शो। उसके लिए दो ऑप्शन है, एक है स्टैटिक वैल्यूज, वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, डिपार्टमेंट नंबर की 10 हो सकती है, ठीक है, 20 हो सकती है, ठीक है, 30 हो सकती है, तो ये वैल्यूज एक ही करके आप इसमें ऐड करो, और डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू जो है वो 40 भी हो सकती है, तो ये चार वैल्यूज उसको पड़ी हुई है। अच्छा, इसको ओके कर लेंगे और अब अपनी इस रिपोर्ट को चलाएं। तो यहाँ पे वैल्यू आपको देने की बजाय यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वो वैल्यूज हैं जो कि अभी आपने प्रोवाइड किए, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यहाँ से 30 सेलेक्ट कर लें, एंटर कर लें, तो 30 डिपार्टमेंट नंबर के जितने भी लोग हैं उनकी रिपोर्ट आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो है आप यहाँ पे भी इसमें क्या इशू हो सकता है, ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज मैंने जो स्टैटिक वैल्यूज प्रोवाइड किए इसका यही इशू हो सकता है ना कि कल को आपका एक नया डिपार्टमेंट अगर ऐड हो जाए, ठीक है, तो ये तो आपने वैल्यू स्टैटिकली दी है ना, तो इसमें आपको मसला होगा। इसमें मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव, इन सब को ऐसे रिमूव कर लेते हैं, और सेलेक्ट की स्टेटमेंट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट की स्टेटमेंट क्या होगा कि सेलेक्ट की स्टेटमेंट तो डायनेमिक है ना, वो तो क्या करेगा जितनी भी, यानी कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि सेलेक्ट कर लो, क्या सेलेक्ट कर लो, डेप्थ नंबर, ठीक है, फ्रॉम डेप्थ के डिपार्टमेंट के टेबल में जितनी भी डेप्थ नंबर है ना उनको सेलेक्ट कर लो, तो वो तो मतलब अगर डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अगर बढ़ते भी जाएँ, ठीक है, तो वो तो ये सेलेक्ट नहीं क्यों होती कि वो डायनेमिकली उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसको करके चेक कर लें, तो अब ये डायनेमिकली वो वैल्यू लगता है, पहले तो आपने खुद स्टैटिकली दी थी ना, अब डायनेमिकली अब 20 को मैं देख लेता हूँ, 20 को क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 20 के लोग आपको दिखा रहे हैं, सही है। अच्छा, इसी तरीके से इसमें फिर एक चीज़ और है, इसको हम क्लिक करेंगे, इसकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट नंबर के साथ साथ डिपार्टमेंट के नाम भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कि सेलेक्ट डेप्थ नंबर कॉमा डी नेम फ्रॉम डेम, ठीक है। तो अब ना सिर्फ आपको डिपार्टमेंट के नंबर, बल्कि अब नंबर का मुझे क्या पता कि नंबर क्या है, ठीक है, नंबर तो किसी भी डिपार्टमेंट को हो सकता है, बट एक्चुअली वो नाम आपका, ठीक है। तो 10 के साथ अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स, ऑपरेशन, बाकी इसके जो है वो फंक्शनलिटी वही है, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग आपको दिखा, सही है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और रह गई है, वो ये कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में जाएँ, हाइड फर्स्ट कॉलम, यानी कि आप नहीं चाहते कि आपको डिपार्टमेंट नंबर नजर आए, आप खाली चाहते हो कि आपको खाली डिपार्टमेंट नेम नजर आए, ठीक है, तो आप हाइड कर लें इस पहले कॉलम को, इसको ओके कर लें और इसके बाद इसको रन कर लें, तो आपको एग्जिस्ट वो भी कर रहा है, ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसी की बेस पे ये जो है ना तो वैल्यूज आपकी मिलेंगी, इसके पैरामीटर को वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अकाउंटिंग सेलेक्ट किया, एंटर किया, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के सारे लोग, ठीक हो गए, ठीक है, इसको कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं और आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपसे वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, 10, 20, 30 होती है, आप इसको दे सकते हैं, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट ही पड़ी हुई है। ये हो गया किस तरह से डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा, जॉब वाइज अगर आपने रिपोर्ट करनी है, यानी कि आप लिख दो जॉब मैनेजर तो आपको सारे मैनेजर्स दिखा दे, आप सिर्फ पैरामीटर में लिख दो जी के एनालिस्ट, आपको एनालिस्ट दिखा दे, ठीक है। तो जॉब वाइज जो है उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आप आ जाओ अपने डेटा मॉडल में, यहाँ पर अपनी क्यूरी चेंज करनी है ना आप, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल्स, वेयर जॉब इक्वल्स अपर
तो फंक्शन इसलिए लगाया है क्योंकि यूजर अगर स्मॉल केस में भी दे देना तो कोई मसला ना हो। और यहाँ पे पैरामीटर का नाम वी अंडरस्कोर डेप्थ है, तो मैं इसी पैरामीटर को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पैरामीटर है ना उसका नाम वी अंडरस्कोर डेप्थ है, जो यूजर पैरामीटर है जिसमें वी अंडरस्कोर डेप्थ, ठीक है, तो इसलिए मैंने वी अंडरस्कोर डेप्थ ही यहाँ पे यूज कर लिया। इसको मैं चलाऊंगा, ये अब आपसे मांग रहा है वी अंडरस्कोर डेप्थ है, आप इसका नाम चेंज करके वी अंडरस्कोर जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर वी अंडरस्कोर जॉब इधर भी होगा, वी अंडरस्कोर जॉब वहाँ पे क्यूरी के अंदर भी इसका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनेजर इनवैलिड पैरामीटर इनपुट। अच्छा, अब यहाँ पे मसला आ रहा होगा, मसला ये है कि आपका ये जो वी अंडरस्कोर डेप्थ जो पैरामीटर है ना, इसकी डेटा टाइप नंबर है, ठीक है ना, और आप इसको कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हो। इसकी डेटा टाइप चेंज कर लें, यहाँ पे सिंपल है, कैरेक्टर दे दें, बाकी इस पर विड्थ यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसको आप रन कर लें। अब इसको मैं देता हूँ मैनेजर, एंटर किया तो ये जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसको दोबारा रन कर लें। सेल मैन, अब ये ख्याल रखें कि ये मैंने आप स्मॉल लेटर्स में दिए, ठीक है, लेकिन इसको ये क्या करेगा, अपर में कन्वर्ट करेगा और फिर उस तरह आपको देखेंगे कि वो पैरामीटर में क्लियर करेगा। ये सारे सेल्स मैन, बाकी इसका उसका इशू है अपना, ये आप इसमें अगर मैं आ जाऊँ ऑब्जेक्ट नेविगेटर में और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँ डेटा मॉडल को और इसकी क्यूरी को ज़रा जाना चेंज कर लूँ। चेंज ये कि मैं यहाँ से अपर का फंक्शन हटा लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको रन करते हैं। अब अगर मैं स्मॉल में दूँ ना तो मेरा ही रिपोर्ट तो चली है लेकिन कोई आउटपुट उसको नहीं है, वो डेटा उसको मिल नहीं रहा ना, पैरामीटर में डेटा पड़ा है, स्मॉल ये सारा लिखा हुआ है, वो मसला आएगा। तो फिर आपको यहाँ पे जो है हर सूरत में जो है वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आसान सी बात है कि आप अपने डेटा मॉडल में आ जाएं, यहाँ पे जो क्यूरी है आपकी इसमें आ जाएं और इधर ये अपर का फंक्शन में ला लें। समझ आ रही है इसकी? यस सर। अब यूज कर लें, स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसको ऊपर में कन्वर्ट किए जिस तरीके से भी आप, कोई आपको इशू नहीं है। ये हो गया डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा, अब अगर हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर हायर डेट की बेस पर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी रिपोर्ट हो ना कि जिसमें मैं स्टार्टिंग डेट दे दूँ, एंडिंग डेट दे दूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस दौरान कितने लोग मेरे जो हैं वो हायर किए गए इस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे ये जो यूज़र पैरामीटर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और दो पैरामीटर्स यहाँ पे बनाते हैं। एक का नाम रख देते हैं फ्रॉम अंडरस्कोर डेट, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं टू अंडरस्कोर डेट, यानी कि फ्रॉम टू, दो डेट्स है ना। और इनकी जो डेटा टाइप्स हैं उनको ज़रा चेक कर लेते हैं कि डेटा टाइप इनकी डेट होनी चाहिए पहले वाले की भी और डेटा टाइप इसकी भी डेट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं इसको डेट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। और फिर इसकी जो डेटा मॉडल में जो क्यूरी है ना उस क्यूरी को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि मैं तो इसी में चेंज करूँगा। सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम ईएमपी, वेयर हायर डेट बिटवीन कोलन के साथ आप लिखो कि फ्रॉम एंड फ्रॉम एंड टू, ये दो आपके पैरामीटर्स के नाम है ना, कि इनमें जो दो वैल्यूज है ना उनको आप ले लो, यूज़ कर लो इस क्यूरी के अंदर, ठीक है। इसको ओके कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, नाम नाम बता दें उसका, फ्रॉम अंडरस्कोर डेट, नाम फ्रॉम अंडरस्कोर डेट एंड टू अंडरस्कोर डेट, ठीक हो गया। इसको रन कर दें, ये आपसे मांग रहे हैं फ्रॉम डेट, तो मैं देता हूँ फर्स्ट ऑफ जनवरी 1980, ठीक है ना, और देता हूँ 31st ऑफ
1984 इस दौरान जितने लोग भी हायर हुए हैं उनकी मुझे लिस्ट दिखवा सकते हैं। ये वो सारे लोग हैं जो कि इस दौरान हायर किए गए हैं, ठीक है। यकम जनवरी 1980 से लेकर और 31 जनवरी 1983-84 जो भी आपने जाने लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये रिपोर्ट भी क्लियर है, तो इस तरीके से आप ये रिपोर्ट जो है ये बना सकते हैं। ये सेव हुई भी ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा, बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं। वो रिपोर्ट तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपके उसके बाद, बाकी हो गया डिपार्टमेंट वाइज अभी तक हम कौन सी टाइप ऑफ रिपोर्ट बनाते हैं, टेबुलर रिपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप और देखते हैं, ठीक है, रिपोर्ट। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, इसको करते हैं कि नई रिपोर्ट बनाओ, यूज द रिपोर्ट विजिट, कॉपी किया, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे आए, ग्रुप लेफ्ट, ठीक है। टाइटल दिया, टाइटल इसको दे देते हैं, जॉब, जॉब वाइज रिपोर्ट, के ये जो रेड नज़र आ रहा है ना आपको, ये ग्रुपिंग है, ठीक है, कि जॉब लिखा हुआ यहाँ पे जॉब लिखो, ठीक है, और यहाँ पे वो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जो जो भी आपको चाहिए कॉलम्स, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए, ठीक है, उसको ग्रुप वाइज और ग्रुप बेस के लेफ्ट पे ग्रुप का नाम लिखो और राइट के ऊपर है ना आपके डेटा हो ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट कर लें, एसक्यूएल की क्यूरी होनी चाहिए, आप यहाँ पे बता दो आपको क्या चाहिए, ये किस जॉब वाइज है ना, तो सेलेक्ट कर लो, जॉब को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट जॉब, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, ठीक है, कॉमा कमीशन, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट फ्रॉम पी एम पी, नेक्स्ट किया, अच्छा अभी आपसे कह रहे हैं कि सेलेक्ट द फील्ड दैट यू वुड लाइक टू डेजिग्नेट एज ग्रुप फील्ड। ग्रुपिंग किस फील्ड के बेस पे आप कर सकते हैं, मतलब करना चाहते हैं आप, मैं चाहता हूँ जॉब की बेस पे, और जॉब ही की बेस पे ग्रुपिंग हो सकती है क्योंकि एक जॉब के अंदर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर की बेस पे तो नहीं हो सकती, एम्प्लॉय नंबर तो हर बंदे का एक ही है, तो फिर वो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उतने ही वो ग्रुप्स बना लेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कमीशन की बेस पे नहीं हो सकती, सैलरी की बेस पे, ई नेम की बेस पे, जॉब की बेस पे, ये हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट किया, अभी कह रहे हैं कि सेलेक्ट द फील्ड दैट यू वुड लाइक टू डिस्प्ले इन योर रिपोर्ट्स, तो मैं सारी फील्ड दिखाना चाहता हूँ। जॉब की तो ठीक है, वो तो नज़र तो आएगी आपको, लेकिन वो एज अ ग्रुप नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट किया, कोई आपने फंक्शन वगैरह कुछ आपने लगाने हैं तो लगा लें, वरना आप नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, और इसमें अपनी मर्जी का जो भी आपको चाहिए वो चूज़ कर लें, ठीक है, नेक्स्ट कर लें, इसको फिनिश कर लें। ठीक है, ये आपकी, अच्छा ये तो ये कमीशन डाले, अच्छा कमीशन इनका डाले ना, इस वजह से ये ब्लैंक डाले। ये एनालिस्ट है, एनालिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो बंदे हैं ना जिनके एम्प्लॉय नंबर 7788790, ये दोनों एनालिस्ट हैं, इनके नाम, इनकी सैलरी, इनकी कमीशन की डाले, ठीक है। फिर ये दूसरा ग्रुप स्टार्ट होता है जिसका नाम है क्लर्क, जॉब वाइज 1 2 3 4 बंदे क्लर्क्स हैं, नाम है उनके और उनकी सैलरी, ठीक है। फिर मैनेजर्स कितने बंदे, 1 2 3 बंदे मैनेजर्स हैं, ये उनके नाम है, ये उनकी सैलरी है। प्रेसिडेंट एक बंदा है, फिर किसी सेल्समैन, ये 4 बंदे हैं, ये उनके नाम, उनकी सैलरी और उनके कमीशन के होंगे। तो ये आपकी जॉब वाइज रिपोर्ट होगी और वो भी ग्रुप में, ठीक है। इसको मैं सेव इसलिए करता हूँ क्योंकि ये शायद सेव नहीं हुआ मेरे पास, ये मैं आपके साथ लेके जा सकती हूँ, ठीक है। तो इसको नाम मैं रखता हूँ जॉब, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, नई रिपोर्ट बनाते हैं डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर और ग्रुप लेफ्ट, ठीक है, ओके करते हैं, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट ग्रुप लेफ्ट, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट किया, सीएल क्यूरी है, क्या क्यूरी है, सिलेक्ट कर लो नंबर को, एम्प्लॉय नंबर को, ई नेम को, ठीक है, जॉब को, फॉर्म ई एम पी,
कर लें, किस बेसिस पे ग्रुप बना रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे, तो डिपार्टमेंट नंबर को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कर लें, कौन कौन सी फील्ड चाहिए, सारी फील्ड चाहिए। नेक्स्ट कर लें, कोई एवरेज वगैरह का फंक्शन वगैरह नहीं यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, लेबल्स आपने चेंज करने हैं तो यहाँ पे इसके नाम जो कॉलम्स के जो नाम आते हैं ना वो चेंज करने हैं, वो चेंज करें, बटन नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। अब ये आपकी बन गई ग्रुप रिपोर्ट, वो भी ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट। डिपार्टमेंट नंबर है 10, इसमें 1, 2, 3 ये बन रहे हैं। डिपार्टमेंट नंबर 20, इसमें ये बन रहे हैं। डिपार्टमेंट नंबर 30, इसमें ये बन रहे हैं। समझ आ रही है ना बात? लेकिन रिपोर्ट आपने देनी है अपने बड़ों को, रिपोर्ट आपने डिज़ाइन करनी होती है मैनेजर्स के लिए, बड़े जो प्रेजिडेंट्स के लिए, अब उनको क्या पता डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 क्या चीज़ है, उनको तो नाम चाहिए ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी मुझे एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें कि डिपार्टमेंट के नाम आ रहे हों और उनमें उन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों के नाम हों, एम्प्लॉय नंबर वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इसकी जो जो क्यूरी है डेटा मॉडल में आ जाए, इसकी क्यूरी चेंज करनी पड़ेगी ना आप हमें, ठीक है। ये मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, ये आपके कौन से डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट नंबर वाइज स्कोर, बस डिपार्टमेंट नंबर वाइज रिपोर्ट है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, ये तो सेव हो गई, नई रिपोर्ट में आते हैं, सेव कर ली थी चेंजेस, नई रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। ओके किया, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, इस तरीके से ग्रुप लेफ्ट एंड डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट किया, एसक्यूएल की क्यूरी की बेस पे होनी चाहिए, अब डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट करें डी नेम कॉमा एम्प्लॉय नंबर कॉमा डी नेम कॉमा जॉब फ्रॉम, दो दो कॉलम, दो टेबल, दो टेबल फ्रॉम डेट कॉमा ई एम बी और वेयर, यहाँ पे ज्वाइनिंग की कंडीशन लगा दें कि वेयर ई एम बी डॉट डेट नंबर इज इक्वल टू डेट डॉट डेट डॉट डेट नंबर, ठीक है। यही कंडीशन है ना आपकी ज्वाइनिंग की कंडीशन, किस बेस पे ग्रुपिंग करनी है, डी नेम की बेस पे ग्रुपिंग करनी है। नेक्स्ट कर लें, बाकी सारी फील्ड उसमें डाल दें, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, फिनिश कर लें, ठीक हो गया। अब ये डिपार्टमेंट के नाम आ रहे हैं, अकाउंटिंग में जी ये बंदे काम करते हैं, रिसर्च में जी ये बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स में ये सारे बंदे काम कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये रिपोर्ट भी आपने सेव कर लेता हूँ और ये इसकी टाइप बता रही है और ये आपकी हो जाएगी डिपार्टमेंट नेम वाली, ठीक है। फिर इसके बाद इसी से सिमिलर एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं ग्रुप अबव, कि ग्रुप का नाम लेफ्ट यानी क्यों नहीं, ग्रुप का नाम ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं, मतलब कोई फंक्शनलिटी का कोई इशू नहीं है इसमें। मैं आपसे सिर्फ सिलेक्ट करें ग्रुप अबव, यानी कि ग्रुप आपका पहले लेफ्ट पे लिखा हुआ रहा था, अब अगर ग्रुप जो है ना वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे उससे रिलेटेड जो डेटा है वो डेटा आपको, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, एक ही बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर लो डेट नंबर या सेलेक्ट कर लो जॉब को सेलेक्ट कर लो कॉमन ई एम पी नंबर ई नेम सैलरी फ्रॉम ई एम पी, जॉब सैलरी कितना जॉब की बेस पर होनी चाहिए ग्रुपिंग, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, बाकी सारी फील्ड भी इसमें डाल लें, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें और इसको फिनिश कर लें। ये ग्रुप अबव रिपोर्ट है कि ये ग्रुप का नाम ऊपर आ रहा है एनालिटिक्स, ठीक है। इसको आप अगर चाहो तो इसको टू बी दुनियान में भी नहीं करते दुनिया में भी, भाई ये लोग एनालिस्ट हैं, ये एनालिस्ट हैं, सारे ग्रुप में एनालिस्ट हैं, 1, 2, 3, 4 ये तो 4 बंदे क्लर्क्स हैं, जो ये 3 बंदे मैनेजर्स हैं, ये प्रेजिडेंट हैं, बाकी ये सारे बंदे सेल्स हैं, ठीक। इसको सेव करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक।
इसमें अगली टाइप है आपकी रिपोर्ट की, वो उसको कहते हैं मैट्रिक्स रिपोर्ट, ग्रिड के अंदर, यानी कि कॉलम के नाम, यानी कि आपके टेबल के कॉलम के नाम इधर भी आ रहे होंगे, टेबल में कॉलम के नाम इधर भी आ रहे होंगे, दोनों सर तरफ आ रहे होंगे। जैसे डीएमसी टेंशन नहीं होती, यस डीएमसी ग्रिड फॉर्म के नाम से यस ना, ये ग्रिड फॉर्म के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट्स के नाम होंगे इधर ऊपर, यहाँ पे जो है ना तो आपके स्टूडेंट्स के नाम होंगे, और ये उनके यानी कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, और ये उसका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये इतने नंबर हैं, यस ठीक है। ये आपका स्टूडेंट नंबर 1 है, इसके सब्जेक्ट नंबर 2 में इतने नंबर हैं, ठीक है। तो ये उस तरह की रिपोर्ट होगी, मैट्रिक्स रिपोर्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें आप डालते हैं एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं, सैलरी डाल देते हैं, टैक्स नंबर डाल देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट द फील्ड्स दैट यू वुड लाइक टू यूज एज अ मैट्रिक्स रोज, कि मैट्रिक्स की रो में क्या आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि रो में आना चाहिए एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया, यह आपसे पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट द फील्ड्स दैट यू वुड लाइक टू यूज एज अ मैट्रिक्स कॉलम, कॉलम में क्या आना चाहिए। मैं कहता हूँ कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही फील्ड पीछे बची है, ये एक से ज़्यादा फील्ड भी हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। सेलेक्ट द फील्ड्स दैट यू वुड लाइक टू यूज एज अ मैट्रिक्स सेल्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक ही है, सैलरी को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, कोई फंक्शन वगैरह में नहीं यूज़ करना, नेक्स्ट करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर चल रहे हैं 10, 20, 30, जैसे मिसाल के तौर पर ये सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपके एम्प्लॉय नंबर चल रहे हैं किस में, ये रोज में चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट ने जो है, आप जाहिर सी बात है, ये स्टूडेंट तो बिलोंग ही आपका, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है 7, 6, 3, 7, 3, 6, 9, ये तो बिलोंग ही 20 से करते हैं, तो इसका डेटा तो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। 20 में इकत्ता नहीं है, 10 में तीसरी, इसका डेटा यहाँ पर नजर नहीं आएगा। स्टूडेंट के सिनेरियो में अगर सोचे ना, मिसाल के तौर पर ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो स्टूडेंट नंबर 7, 3, 6, 9 है, तो इसमें भी एग्जाम दिया होगा, इसमें भी दिया होगा, इसमें भी दिया होगा ना पेपर, ठीक है। तो उसके नंबर इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो यहाँ पर मैट्रिक्स रिपोर्ट क्लियर है। फिर एक हो सकता है आपका, एक और इसकी वेरिएशन है मैट्रिक्स रिपोर्ट की और ग्रुप रिपोर्ट की, उसकी वेरिएशन है, दोनों को मिला के, यानी कि वो उसको उसको कहते हैं, उस टाइप ऑफ रिपोर्ट को कहते हैं ग्रुप मैट्रिक्स रिपोर्ट, ठीक है। कि उसमें ग्रुपिंग भी है, उसमें मैट्रिक्स भी भी बना है। हुआ है, उसमें ग्रुपिंग भी है, उसमें मैट्रिक्स भी बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल यही हो सकती है कि यहाँ पे यानी कि ग्रुप बना हुआ है, मिसाल के तौर पे सेमेस्टर वाइज ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। कि सेमेस्टर 1 BCS यहाँ पे ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, सब सेमेस्टर 1 BCS के अंदर फिर जो है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 10 सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, फिर उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम ये इस तरह से कर लेते हैं कि उसके लिए हम एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पे बना भी लेते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है पहले। मैट्रिक्स रिपोर्ट, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और फिर हम एक और दूसरी रिपोर्ट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। जो कि होगा, जो कि आपकी उसकी टाइप है ग्रुप मैट्रिक्स रिपोर्ट, ठीक है। ये बोला मैट्रिक्स विद ग्रुप, यानी कि मैट्रिक्स भी है और ग्रुप भी है, ठीक है। इसमें यह हो सकता है कि हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे किसी सेलेक्ट करो डी नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर को, सैलरी को, टैब नंबर को सेलेक्ट करो, एम्प्लॉय नंबर को सेलेक्ट करो, सैलरी वाली को सेलेक्ट करो, और इसमें सेलेक्ट करो जॉब, जॉब को सेलेक्ट किया। अच्छा, अभी आपसे कह रहे चूज द फील्ड्स दैट यू वुड लाइक टू डिजाइनेट एज अ मैट्रिक्स ग्रुप फील्ड ना, तो ग्रुपिंग किस बेस पे करना चाहता हूँ, ग्रुपिंग में जॉब की बेस पे करना चाहता हूँ, कि भाई एनालिस्ट हूँ, एनालिस्ट के नीचे जो है ना, तो उसकी ग्रुप, उसका एक मैट्रिक्स बना हुआ होती है जॉब की बेस पे, यानी कि ऊपर लिखा हो सेल्समैन, और उसके नीचे जो है सेल्समैन से रिलेटेड जो है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, अब ये मैट्रिक्स की बात आपसे कर रहे हैं, सेलेक्ट द फील्ड्स दैट यू वुड लाइक टू यूज एज मैट्रिक्स रोज, मैट्रिक्स की जो रोज है ना, रो वाइज आपको कौन सा नजर आना चाहिए, वो मैं कहता हूँ जी कि एम्प्लॉय नंबर की बेस पे,
रो बन जाए उसकी। नेक्स्ट कर लें कॉलम्स, कॉलम्स जो है वो डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे वो आपका कॉलम हो जाए। नेक्स्ट कर लें, और ये जो आपकी अवेलेबल एक ही फील्ड पीछे रहेगी, ज़रूरी नहीं है एक ही फील्ड हो, एक से ज़्यादा फील्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सैलरी जो है ये नज़र आ जाए आपको एज अ सेल फील्ड। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट तो फिनिश कर लें। ये आपका एक तो ग्रुप, एक तो आपका ग्रुप बन गया, पहला ग्रुप है एनालिस्ट। फिर इसके अंदर जो है एनालिस्ट जो है ना वो काम ही डिपार्टमेंट नंबर 20 में करते हैं। 10 डिपार्टमेंट, ठीक है, 10 डिपार्टमेंट और 30 डिपार्टमेंट में कोई एनालिस्ट है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ 20 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो क्लर्क्स है ना, ये डिपार्टमेंट नंबर 10 में भी एक बंदा काम कर रहा है, 20 में दो काम कर रहे हैं, 30 में एक बंदा काम कर रहा है, तो उनकी सैलरीज आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। चूंकि तीनों डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 सारे नज़र आ रहे हैं। उस तरीके से मैनेजर है, तो मैनेजर भी जो है ना तीनों डिपार्टमेंट्स में एक एक मैनेजर है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको तीनों डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है इसका प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट एक ही प्रेसिडेंट है और वो काम भी डिपार्टमेंट नंबर 10 में कर रहा है, तो इसलिए डिपार्टमेंट नंबर 10 का ही डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरीके से डिपार्टमेंट नंबर 30 में भी सारे के सारे जितने भी आपके सेल्स मैन है, ये नया ग्रुप है ना सेल्स मैन वाला ग्रुप, देखिए जितने भी सेल्स मैन है वो सारे काम करते हैं किस में, डिपार्टमेंट नंबर 30 में, 10 और 20 में करते हैं, तो उनकी डिटेल भी इसमें हो जाती है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स विद ग्रुप रिपोर्ट। सेव कर लो,